चुनाव के बाद पहली बार बुधनी पहुंचे सीएम। बारिश में छाता लगाकर साधना सिंह ने सुना शिवराज सिंह चौहान का भाषण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव मतदान के बाद पहली बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने पारंपरिक विधानसभा क्षेत्र बुधनी के शाहगंज पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। शिवराज सिंह चौहान सीएम बनने के बाद बुधनी से चौथी बार बीजेपी के प्रत्याशी बने हैं। हर बार की तरह इस बार भी सीएम शिवराज सिंह चौहान नामांकन जमा करने के बाद प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे और कार्यकर्ता पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्रचार की जिम्मेदारी सौंप दी थी। मतदान वाले दिन के अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान 27 नवंबर को शाहगंज पहुंचे। शाहगंज में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ पत्नी साधना सिंह चौहान भी पहुंची। खास बात यह रही कि कार्यक्रम के दौरान बारिश हो रही थी। कार्यक्रम के दौरान पत्नी साधना सिंह चौहान ने पति शिवराज सिंह चौहान का संबोधन छाता लगाकर सुना। देश देखेगा बुधनी विधानसभा का परिणाम। सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम के संबोधन के दौरान हंसी मजाक के मूड में नजर आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप अद्भुत हैं। सीएम ने कहा कि यही एकमात्र क्षेत्र ऐसा होगा जहां उम्मीदवार केवल फॉर्म भरने आता है और वोट डालने आता है, ये कहीं नहीं होता। उम्मीदवार एक आध दिन तो आते ही हैं, जो चुनाव लड़ता है वो जनता के बीच जाते ही हैं। लेकिन आप सभी ने कह दिया था कि इधर देखना मत, बस आप तो वोट डालने ही आना। आप सभी ने शिवराज बनकर चुनाव लड़ा और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी की मेहनत से इस बार बुधनी विधानसभा का आशीर्वाद ऐसा मिलेगा कि सारा देश देखेगा। परिश्रम की पराकाष्ठा आप सभी ने की है, सभी ने शिवराज बन लड़ा चुनाव। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आप सभी लोगों पर एक महीने का दायित्व रहता है, उसके बाद 5 साल तक बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आभार व्यक्त किया। कार्यकर्ता समागम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आप सबने शिवराज बनकर चुनाव लड़ा है और मुझे पूरा विश्वास है आप सबकी मेहनत से इस बार बुधनी विधानसभा का आशीर्वाद ऐसा मिलेगा कि सारा देश देखेगा। कार्यक्रम को विदिशा संसदीय क्षेत्र के सांसद रमाकांत भार्गव ने भी संबोधित किया। मंच से उतर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे सीएम। बुधनी में संबोधन के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान का अलग रूप देखने को मिला। जब वह मंच से संबोधन के बाद वहां से उतरकर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच गए, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज अच्छा नहीं लग रहा है मंच पर, आज तो हाथ मिलाने का दिन है, फोटो खिंचाने का दिन है, साथ मिलकर खाना खाने का दिन है। यह कहकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यकर्ताओं के बीच जा पहुंचे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।